विशेष आग्रह पर जो है एक पलंग तोड़ पान होता है, जो मैरिज लोग होते हैं शादी ब्याह करके आते हैं और पहली रात के लिए वह उसको यूज करते हैं। तो भाई इन हाथों ने 1966 से लेके 2021 तक सिर्फ और सिर्फ पान ही बनाया है और ये एक्सपीरियंस है जो हाथों में देख रहे हैं ना, ये है जी इनका एक्सपीरियंस एट केशव पान भंडार। तो जब भी आप बनारस आए ना, इनसे मिलिएगा, इनके हाथ का पान खाइएगा और मेरा दावा है कि आप ये एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में कभी नहीं भूल सकते। मेरा नाम तो राजेंद्र चौरसिया है, इस दुकान को जो है मेरे पिताजी 1966 में स्थापित किए थे और तब से हम लोग उन्हीं के साथ जो है मिल करके इस दुकान को चलाया जा रहा है। यहाँ पर जो है अब हम लोगों के पान जो तो पान की वैरायटी के मामले में तो मगही पान, देसी पान, सांची पान और जगन्नाथी पान होता है, जिसमें मगही पान सर्वश्रेष्ठ होता है और इन्हीं सब पानों को हम लोग जो तो यूज करते हैं। और अपने जो तो पान से संबंधित जितने भी मटेरियल हैं उन सब चीज़ों को शुद्धता और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाता है, जिसमें कि किसी भी प्रकार के स्वास्थ्य के हानिकारक चीज़ें ना उसमें केमिकलाइज हों। और यही वजह है कि हमारे पान के जो है सब जो है लोग पसंद करते हैं और लाइक करते हैं। और कुछ विशेष प्रकार के पान भी होते हैं हमारे यहाँ, जैसे जो है मीठा पान है, गुलकंद का पान है और जो है तो जर्दा का पान है। अब विशेष आग्रह पर जो है एक पलंग तोड़ पान होता है, जो मैरिज लोग होते हैं शादी ब्याह करके आते हैं और पहली रात के लिए वह उसको यूज करते हैं। बनारस में पान को मुंह में रख करके उसको घुलाया जाता है, न कि पान को जो खाया जाता है न कि जो चबाया जाता है। एक बीड़ा पान मुंह में अपना जमा लिए और धीरे धीरे उसको घुला रहे हैं और एकदम दिमाग कॉन्स्टेंट होकर के अपना वर्क अपना दिमाग बनाए हुए है। अब उसको पान को खा करके, पान तो मिठाई की चीज़ें हैं नहीं, उसको मुंह में रखिए, रखने के बाद उसके खुशबू का सबाब लीजिए और वह जो तो धीरे धीरे खुशबू भीगेगा और आनंद मिलेगा, सबाब बनेगा और दिमाग एकदम मस्त हो जाएगा। देखिए भैया, अगर आप बनारस आएँ और अगर आप बनारस आके बनारस का पान नहीं खाएं ना, तो बनारस वाले ही आपको माफ़ नहीं करेंगे, छोड़िए बाकियों की। और जैसे कि इन्होंने कहा, बिल्कुल सही कहा कि देखिए जो पान है ना उसको ना खाया जाता है ना चबाया जाता है, बल्कि उसको मुंह में रख के एकदम घुलाया जाता है। और बनारस में आके इनके पास आके स्पेशली असल पान क्या होता है ना, असल वो आपको पता चलेगा। पान आपने बहुत खाए होंगे, बहुत सारी जगहों पे खाए होंगे, बहुत सारे लोगों के हाथों से खाए होंगे, लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनके जैसा पान कोई नहीं बना सकता। और अगर कोई बना सकता है तो आप मुझे बताइएगा कि कौन बना सकता है कमेंट्स में जाके। मेरा तो यही चैलेंज है कि कोई नहीं बना सकता। और इनके साथ गिलौरी पान भाई, मुँह में रखते ही जैसे आपको एक नई जिंदगी, नया एहसास और एक रोशनी की किरण जो है ना वो जाग उठती है, बिल्कुल वैसा हो रहा है। और आपका मन ही नहीं करेगा कि आप का जो सलाइवा या जो फ्लेवर है ना पान का, उसको आप स्पिट करें, क्योंकि ये कहते हैं जो एक बार अंदर चले जाता है ना वो फिर बाहर नहीं निकलता। अब उसका क्या मतलब है वो आप सोच सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया पान था और आई थिंक इससे बेटर एक्सपीरियंस मेरे लिए हो नहीं सकता। तो प्लीज़ जाके लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा और ऐसे स्वाद ऑप्शन को प्यार करते रहिएगा। और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खाते रहिए, खिलाते रहिए और दिल लगाते रहिए। भाई अगली बार हम आपको फिर मिलेंगे एक नई जगह पे, एक नए खाने की तलाश में। मेरा जो पान है ना वो ना मैं खा रहा हूँ ना चबा रहा हूँ, बल्कि घुलाने की कोशिश कर रहा हूँ।